अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, और इसमें हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान। यूं तो पाकिस्तान में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी चोटियां हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कराकरम रेंज को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे और उससे जुड़ी मालूमात आपको फराहम करेंगे। दोस्तों, कराकरम रेंज दुनिया की दूसरी बड़ी चोटियों में से जानी जाती है। ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, ठीक है। अब इस कराकरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है केटू, ठीक है। केटू के दूसरे भी नामों से उसे जाना जाता है, जैसा कि एक है गॉडविन ऑस्टिन और चोगोरी, और तीसरा भी एक इसका नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने अगर एमसीक्यू कोई आ जाता है कि भाई केटू की जगह पे वहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन या चोगोरी का नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो केटू से ही रिलेटेड है, ठीक। और उसके बाद केटू की इसकी जो कराकरम रेंज है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो केटू है। तो केटू की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 8611 मीटर। अभी कभी कभी जो है ना टेस्ट में जो सवाल घुमा के दिया जाता है कि मिसाल तौर अब अगर आपके सामने एक सवाल आ जाता है कि व्हिच इज़ द हाईएस्ट व्हाट इज़ द अल्टीट्यूड ऑफ गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन का एल्टीट्यूड क्या है, तो आप ये जहन नशीन कर लीजिएगा कि एल्टीट्यूड और हाइट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आपके सामने सवाल आ जाता है कि दुनिया की पहली चोटी कौन सी है, पहाड़ी चोटी सबसे बड़ी सबसे लंबी, तो वो कौन सी होगी, वो होगी माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर आपके पास सवाल आता है कि पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में जो सबसे हाईएस्ट बड़ी चोटी है वो कौन सी है, तो वहाँ पे आपका जवाब होगा के टू। अगर वर्ल्ड लेवल पे आपसे सवाल आता है कि व्हिच इज़ द हाईएस्ट व्हिच इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपका जवाब जो होगा वो होगा के टू, क्योंकि के टू दुनिया के लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे ये सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट है और पाकिस्तान में जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि पाकिस्तान की लंबी से लंबी जो चोटी है वो है के टू। उसके बाद देखते हैं कराकरम रेंज के भी कि ये लाए कहाँ करता है, ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है, सेपरेट करता है पाकिस्तान को चाइना से। और इसी माउंटेन रेंज में, कराकरम रेंज में जो है वो हाईएस्ट जो हाईवे है, कराकरम हाईवे, जो M3 के नाम से भी जाना जाता है, वो भी यहीं पे है। और जो वो कराकरम हाईवे N3 जो है उसकी लेंथ है 1300 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है, किसके थ्रू, खंजरा पास के थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू ये चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। कराकरम रेंज की एक और फैक्ट है कि मतलब एक और इन्फॉर्मेशन है कि लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगर सवाल आता है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है तकरीबन 76 किलोमीटर्स, 76 किलोमीटर्स, और 76 किलोमीटर तक जो है ना ये बर्फ़ से ढका हुआ है। जब ये बर्फ़ पिघलती है तो मुख्तलिफ दरियाओं के ज़रिए हम तक पानी पहुंचता है, और ये इसमें इसकी जो दुनिया में वर्ल्ड लेवल में रैंक है वो है सेकंड। सियाचिन ग्लेशियर सेकंड है वर्ल्ड के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान में वो उसकी रैंक जो है वो फर्स्ट है, ठीक हो क्या। उसके बाद अब देखें, यहाँ पे कुछ अदर फेमस प्लेसेस भी हैं, जैसे बल्टारो ग्लेशियर है, ये शंगर जो है ना डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ से ये वहाँ पे ये लाए करता है, और उसकी लेंथ तकरीबन 63 किलोमीटर है। उसके बाद हंजा वैली है, क्लक पास है, ये क्लक पास जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को जो चाइना का जिनजियांग डिस्ट्रिक्ट है ना उसके साथ कनेक्ट करता है। और मुजदक पास जो है वो पाकिस्तान में ही है,
पाकिस्तान को पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान रीजन को चाइना के यारकन रीजन से कनेक्ट करता है। अभी सवाल आते रहते हैं कुंजरा पास के हवाले से कि मतलब कि पाकिस्तान और चाइना को कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है। तो तकरीबन आपसे आप में से मोस्टली जानते होंगे कि कुंजरा पास, लेकिन अभी जो के कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का दौर है, तो वो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सवाल थोड़े घुमा फिरा के दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास सवाल आता है कि पाकिस्तान और चाइना किस पास के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और वहाँ पे ये जो ऑप्शन है कुंजरा पास, ये हो ही नहीं, ठीक है, ये मिसाल तो उसमें आंसर में आपके में नहीं है, तो वहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे। तो ये जो मुश्तक पास है ना, अभी रिसेंटली मैंने दो तीन टेस्ट देखी हैं, वहाँ पे ये सवाल जवाब के तौर पे, इसके जवाब के तौर पे इसे रिप्लेस किया गया है मुश्तक पास को। तो ये भी आप समझ लें कि मुश्तक पास भी जो है वो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हौसला अफजाई कीजिए, ताकि हम मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।